एक चीज मैं नीचे बोल के आगे बोलना चाहता हूं ताकि आपको सदैव याद रहे कि ये बात भाई ने नीचे आके बोली थी। एक चीज मैं आपको आखिरी बोलना चाहता हूं, जरा सोचो, आज आप यंग हो। आई गिव इन माई लाइफ व्हेन आई वॉज 19। मैं मात्र 19 साल का था जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया था। आई एम 34 नाउ, 35। लिसन, सोचो आप जवान हो और प्रभु आज आपको कह रहा है अपना जीवन मेरी हुजूरी में जी, लेकिन आपने इस सभा में डिसाइड किया इट्स ओके, लेकिन मैं बॉयफ्रेंड क्यों छोड़ू? या आप ये सोच रहे हो क्यों छोड़ू मैं शराब, मैं चीटिंग करना क्यों छोड़ू? सोचो एक दिन आप 70s 60s को क्रॉस कर दोगे, उस टाइम पे आपको महसूस होगा कि मैंने कभी खुदा की नहीं सुनी, मैंने हमेशा अपनी चलाई। मुझे बताओ उस समय आपके पास ऑप्शन क्या होगा? जस्ट वन थिंग, रिग्रेट्स, पछतावा। लेकिन जरा सोचो आप जवान हो और जब आप निर्णय ले रहे हो मैं खुदा के लिए जीऊंगा, और 70s में जब आप क्रॉस करोगे आपको पता है आपके पास दुख नहीं हियाव होगा कि बहुत जल्द मैं अपने खुदा से मिलूंगा। जरा सोचो, पॉल और मैं और आप, हम सब एक ही लाइन में खड़े होंगे, पर हमें से कुछ लोग कितने असंतुष्ट होंगे और पॉल कितना संतुष्ट होगा, क्योंकि वो कहेगा मेरा एक जीवन जो मुझे खुदा ने दिया वो मैंने अपने लिए नहीं, मैं उसके लिए जिया। लिव फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए जियो, उसकी उपस्थिति में चलो, हर काम करने से पहले सोचो क्या ये उसे पसंद है। जिस तरह की चैट मैं व्हाट्सएप पे करता हूं क्या ये खुदा को अच्छी लगती है? जो जंक फूड खा रहा हूं मैं, जो मुझे यहां तक टेस्ट देता है लेकिन मेरे बदन को खत्म कर रहा है, क्या ये मेरे खुदा को अच्छा लगता है? जिस तरह से मैं लोगों से रूडली बात करता हूं, उन्हें तू करके बात करता हूं, क्या इज दिस रियली प्लीजिंग द लॉर्ड? क्या ये खुदा को पसंद है? होने दो आपका विवेक उसकी हुजूरी में पाया जाए। इसीलिए पॉल कहता है तिमुथियुस को, हे तिमुथी, आई एम राइटिंग दीज थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हे तिमुथियुस, मैं तुझे ये सारी बातें परमेश्वर की उपस्थिति में लिखता हूं। अगर आज आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है ब्रदर ये मीटिंग मेरे लिए रखी गई थी, ये वचन मेरे लिए था भाई, हां मैं मसीह हूं पर मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में जीना बंद कर दिया है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूं, अगर आपको लगता है ना ब्रदर यस ये वचन मेरे लिए था और मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझे एक बार फिर से कह रहा है कि जीवन शुरू कर, अगर कोई ऐसा है मात्र वही अपने जगहों पे खड़ा हो, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। सिर्फ वही लोग, मैं चाहता हूं किसी को देख के मत खड़े रहना कि वो उठ रहा है इसलिए मैं भी उठूंगा, पर अगर आपको लगता है कि यस ये वचन मेरे लिए था, मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये वचन मुझे बता रहा है कि मुझे फिर से अपना जीवन खुदा को देना चाहिए, तो आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। सिर्फ वही लोग। ये मत सोचिएगा कि मेरे पास वाला मुझे क्या देखेगा, अगर खुदा आपको कह रहा है कि यस ये तेरे लिए था, तूने मेरी हुजूरी में जीना बंद कर दिया है, मेरी बेटी तूने बंद कर दिया है। वही लोग अपनी जगहों पर खड़े हो जिन्हें अंदर से लग रहा है कि ये वचन मेरे लिए था, भैया मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ओ जीसस, ओ यीशुआ, तू यहां देख रहा है प्रभु आधे से ज्यादा लोग खड़े हुए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हां हम मसीह तो हैं लेकिन हम तेरी हुजूरी में नहीं चलते। वी आर लिविंग अ डबल लाइफ लॉर्ड। प्रभु मैं दुआ करता हूं
ये मेरे प्यारे ईमानदार भाई बहनों के लिए जो उठ के खड़े हुए हैं, इन्होंने कोई परवाह नहीं की है कि लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, लेकिन इन्होंने तेरे वचन का आदर किया है। They are honoring your word, oh Jesus. इन्हें किसी चीज की शर्म नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं खड़ा हो गया हूं। इन्होंने डिसाइड किया है कि तेरे वचन का आदर करेंगे। मैं दुआ करता हूं यहां पर जो लोग प्रभु एक बार फिर से अपना जीवन तुझे देना चाहते हैं, आ प्रभु इनके ऊपर हाथ रख दे। लॉर्ड स्ट्रेच योर हैंड ओ लॉर्ड। परमेश्वर आप में से बहुतों को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, आपके हृदय उसके लहू में धोए जा रहे हैं, वो आपको अपनी आत्मा से भर रहा है। लॉर्ड ब्लेस देम, लॉर्ड ब्लेस देम, इन्हें आशीष दे, बदल दे आज के बाद इनके जीवन को। ये दुनिया के साथ नहीं, ये तेरे साथ चलेंगे। दे विल वॉक आफ्टर यू ओ जीसस। इन्हें आशीष दे, इनके आंसुओं को देख, इनके समर्पण को देख। कोई परवाह नहीं है इन्हें लोगों की कि लोग मुझे खड़े होकर देख के क्या कहेंगे। मेरा जीवन मेरे खुदा का है। माई लाइफ बिलोंग टू जीसस। लॉर्ड ब्लेस देम, इन्हें आशीष दे, इन्हें आशीष दे। आइए सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। Oh, Jesus. Hallelujah. आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? Yes, 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 Lord, move, move, Lord, move। मिलेगा कुछ भी ना फल जो जा कर लौट आ बेटे, घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में खो रहा, मैं ढूंढू को जो खो गई। गुनाहों की जेल में प्रभु उनके बीच में घूम, तू आज बंद हो गई। मैं ढूंढू उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आ जा घर लौट आ बेटे, घर लौट। आइए मेरे पीछे दुआ करिए। हे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ। प्रभु यीशु, मैं एक बार फिर से अपना जीवन आपको देता हूँ। ले मेरे जीवन को, धो से अपने लहू से,
बना दे। मैं आज ये निर्णय लेता हूं, मैं मात्र कलीसिया में नहीं आऊंगा पर मैं तेरे साथ भी चलूंगा। तेरी उपस्थिति में जीने के लिए मेरी मदद कर, अपना जीवन मुझ में जी। पिता, मैं यीशु को अपना प्रभु उद्धार करता स्वीकार करता हूं यीशु के नाम।